अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त हम जनाब बाग में मौजूद हैं। आपने जनाब बाग के बारे में सुन रखा होगा और मे भी आपने जनाब बाग का विज़िट भी किया हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जनाब बाग के अंदर किस वलीउल्लाह का मज़ार है। चलिए मज़ार की ज़्यारत करते हैं और उन बुज़ुर्गों के बारे में कुछ जानते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब बाग में अबू अल फैज़ अल हसन अल मारूफ़ तुर्क मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर हैं। आपकी विलादत 1770 ईस्वी में हुई। आप अलायुन नसर बुज़ुर्ग हैं। आपके आबाव अजदाद का पेशा ज़मींदारी था। जवान होने पर आपने भी काश्तकारी के काम में आप मशगूल हो गए, लेकिन कुछ ही अरसे में आपका दिल दुनिया से उचाट हो गया और फिर आप एक मर्द साले के सोहबत में रहने लगे और फिर उसी की सोहबत में आपने ज़िक्र फ़िक्र में अपनी ज़िंदगी को बसर किया। फिर आपने कुछ अरसा सियारो सियाहत की और सियारो सियाहत करते हुए इस मकाम पर जहां अभी आपका मज़ार मौजूद है, यहां आकर आपने क़याम फरमाया। यहां कुछ मुखालिफिन ने आपको यहां से निकालना चाहा, लेकिन एक रोज़ उन मुखालिफिन को ख्वाब में यह इशारा मिला कि ये अल्लाह का फ़कीर है, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। चुनाचा उन्होंने फिर आपकी मुखालफत छोड़ दी और फिर आपने इस मकाम पर 29 साल का अरसा गुजारा। आपने बेपनाह मुजाहिदा किया और आप तुर्त मुराद के लकब से मशहूर हुए। इसका सबब यह था कि जो हाजतमंद आपके पास अपनी हाजत को लेकर हाजिर होता तो आपके वसीले से उसकी हाजत जल्द पूरी होती। इसी सबब से आप तुर्त मुराद यानी जल्द हाजत रवाई करने वाले मशहूर हो गए। आपका विसाल 1829 ईस्वी में हुआ और आपका मज़ार लाहौर में मार रोड पर लाहौर के मशहूर बाग बाग जनाह के अंदर मौजूद है।